करने के लिए कितना काम कर रही है। हमने करीब 20-25 बैंक के ऑफिसर्स को अपने ऑफिस में बिठा रखे हैं, पूरा आपके जितना बड़ा हॉल में बना दिया। आप जैसे किसी ने कॉल किया 1930 पर, उससे सिर्फ पूछी जाती है कि अकाउंट नंबर बताओ किस बैंक का, SBI वाला बंदा बैठा तुरंत उस अकाउंट को चेक करता, ICICI वाले तुरंत बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं पैसा को फ्रीज कर देना। तो अभी तक आपकी जानकारी के लिए 2018 से लेकर अभी तक 1100 करोड़ आम जनता का पैसा को हमने फ्रीज करवाया, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलता। तो ये एक बहुत बड़ी टूल्स है, तो ये हर इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए कि अगर हमको जिस प्रकार से कोविड को भगाया था उससे भी ज्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि कोविड के लिए हॉस्पिटल भी, ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेडिसिन है, सब कुछ वैक्सीन है, इसका कोई दवाई नहीं। इसका दवाई सिर्फ यही है कि आप उस ट्रैप में ना फंसे, और बाय चांस अगर आप फंस जाते हो तो बगैर समय गमाए 1930 पर आप कॉल कर दीजिए। इसीलिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का एक पार्ट है कि अगर हमें फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना है तो 1930 पर कॉल करें। तो ये दूसरा वर्टिकल हो गया। तीसरा वर्टिकल, चूंकि जो फ्रॉडस्टर है वो डे टू डे अपनी मोडस ऑपरेंडी को चेंज कर देने हैं, तो आपको आपकी जो कोर्स करिकुलम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो उस प्रकार से आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो हमारा एक तीसरा वर्टिकल है, उसको बोलते हैं NCTC, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। ये हमारी दिल्ली गुड़गांव, जब रोड पे जाओगे तो महपालपुर के पास में ये NCTC है, जो NCRB नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत आती है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई पैसा नहीं लगना इसमें। एक साइट्रन पोर्टल है, CYTRAIN साइट्रन पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन कर लो और दुनिया भर के साइबर से रिलेटेड आप कोर्स कर लो। कोर्स 2 घंटे में करो, 4 घंटे में करो, 2 दिन में करो, 10 दिन में करो, 5 महीने में करो, और ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो अगर मैं कॉलेज के स्टूडेंट हूँ या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तो मैं घर बैठे बैठे भी दुनिया भर के साइबर से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स करूँगी और मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि मुझे नौकरी में मदद मिलेगी। तो ये भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है और कोई पैसा नहीं लगना। बस एक कंडीशन इसमें है कि पता चला कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान वाले भी ना कोर्स करना है, तो इसलिए एक गवर्नमेंट ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो किसी बच्चे या बच्ची के पास में गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है, तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी से एक हमको नॉमिनल रोल भेजवा दे कि ये जो 200 बच्ची है ये मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, काइंडली प्रोवाइड द एक्सेस, तो हम एक्सेस उनको दे देंगे, तो वो कोर्स कर ले। तो ये भारत सरकार की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। आप मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जैसे भी चाहें, और जैसे अपना क्लास का चैप्टर होता है ना, एक चैप्टर हो गया और लास्ट में 4 सवाल होते हैं, दूसरा चैप्टर फिर सवाल, तीसरा चैप्टर फिर सवाल, ऐसा सवाल सवाल करते चले जाओ, लास्ट में टेस्ट आ जाएंगे, 10 चैप्टर के जवाब आपने दे दिया, 60% जवाब आपने दे दिया, घर बैठे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। कल को जब आप इंटरव्यू में जाओगे आपको एक अच्छा होगा कि मैंने साइबर से रिलेटेड, मेरे पास में ये जानकारी है। जो चौथा वर्टिकल है, क्योंकि हमको देश को बचाना, आने वाली जो जनरेशन है उसको भी बचाना। अगर मान लो मेरे देश के जो पूर्वज थे ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नहीं बनाए होते तो आज आप यहाँ पे नहीं बैठे होते ना। तो मुझे भी चाहिए कि आने वाला जो जनरेशन है उसको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कराएं। उसके लिए हमने क्या किया, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर NCRNIC, जो नेक्स्ट वर्टिकल है उसको बोलते हैं NCRNIC। इसका काम है कि जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी हमारी शिक्षण संस्थान है, IIT है, IIIT है, NIT है, उनको हमने 10 साल 5 साल का प्रोजेक्ट डाला है कि आने वाले 10 साल में 2033 में साइबर क्राइम का लेवल क्या हो सकता है और उसको रोकने के लिए हमें किस टूल्स की जरूरत पड़ती है। पहले आपने देखा होगा पुराने टाइम में अगर घर के 5 बच्चे थे ना तो दादी माँ उसको सरकोट काउंट करती थी, 1 2 3 4 5 6। फिर थोड़ी लेडी तेज हो गई पढ़ने वाली तो फिर काउंट 1 2 3 करने लगी, टच करने की जरूरत नहीं। अब बहुत हाईफाई आ गए तो बच्चे को बोलती है नाम 1 2 करो या नाम बताओ या हाथ उठाओ। तो एक मेथोडोलॉजी चेंज हो रहे हैं ना, समय चेंज हो रहा है, मेथोडोलॉजी चेंज हो रहे हैं। उसी प्रकार से आपको, हमको साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना होगा तो आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें मोबाइल को सेफ करना है,
सिक्योर करना है, तो एंटीवायरस आप यूज करते हो, कंप्यूटर में करते हो, उस प्रकार के हमें ये जो संस्थान है ये हमें आने वाले खतरा का मूल्यांकन करते हैं और उससे बचने के लिए हमें सजेस्टिव टूल्स के बारे में बताते हैं, ये आप लेंगे तो आपका बचाव होगा। नेक्स्ट जो हमारी वर्टिकल है और सबसे इम्पोर्टेंट वर्टिकल है, ये समझो कि हमारी I4C की एक स्पाइनल कोड है जिसको बोलते हैं JCCT, ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम। मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी क्राइम है उसकी सुरक्षा करना केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का काम है। हम सेंटर से बोल रहे हैं कि हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो हमने क्या कर दिया, 7 ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम बनाए जो कि 36 स्टेट को कवर करते हैं। किसी JCCT के साथ में 5 स्टेट है, किसी के साथ में 7 स्टेट है, किसी के साथ में 3-4 स्टेट है, ये डिपेंड करता है कि भौगोलिक स्थिति कितनी बड़ी है। अब इसका फायदा क्या हो गया, इसका फायदा ये हो गया कि अगर तमिलनाडु पुलिस को बिहार में जाना है तो बिहार पुलिस उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, समझ रहे हो। चंडीगढ़ को अगर बंगाल जाना है, बंगाल उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो एक आपको ट्रांसपोर्टेशन रिकमेंडेशन प्लस इन्वेस्टिगेशन में आपको मदद करती है। तो क्या हो गया, अगर मान लो दीपक कुमार दिल्ली में पकड़े जाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 36 स्टेट यूपी को पता चल जाता है कि एक दीपक कुमार नकली डिप्टी कमांडेंट बनकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लेक्चर दे रहा था, जब इसका आई कार्ड चेक करा तो ये तो फर्जी आदमी था, तो सभी 36 स्टेट में मेरा नाम फैल जाएगा। बोले यार चाहिए तो वहां भी काम ऐसा किया था, यहाँ भी। अब एक जगह जब पकड़ में आ गया मैं, अब मेरा छूट में नहीं सकता, 20 स्टेट खड़ी हो जाती है कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। दूसरा, एक मोबाइल से क्राइम हो रहा है, ये डिजिटल क्राइम है, तो आपको एविडेंस को कलेक्ट करना भी आना चाहिए। ये कोई घर की क्राइम नहीं है कि मेरा बैग चोरी हो गया, मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई, वो तो है नहीं। जो भी आपको एविडेंस मिलेंगे, आइदर आपके मोबाइल से मिलेंगे, कंप्यूटर से मिलेंगे, लैपटॉप से मिलेंगे, तो हमारे पुलिस को उसको डिजिटल एविडेंस को पता भी होना चाहिए कि मुझे डिजिटल एविडेंस को निकालना कैसे, उसको प्रिजर्व किस प्रकार से करना, उसके कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किस प्रकार से करना। तो भारत सरकार ने नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी NCFL, अगर कोई दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो सेक्टर 16C जहाँ पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसके बगल में बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई NCFL की। मैं दिल्ली द्वारका सेक्टर 16C की बात करता हूँ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 14 और उसके अगल बगल में IP यूनिवर्सिटी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में। अब हम इसमें करते क्या है, हम इसमें करते क्या है कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस है उनको 10 की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं कि अगर तुम्हारे को कुछ मोबाइल मिल गया फ्रॉडस्टर का तो तुम इसमें से डाटा कैसे निकालोगे। कई बार आपने देखा होगा कि अगर मैं पकड़ में आ रहा हूँ मोबाइल को आग में डाल देता हूँ या मोबाइल को पैर से तोड़ देता हूँ, तो टूटे हुए मोबाइल से डाटा कैसे निकालनी है, टूटे हुए कंप्यूटर लैपटॉप से डाटा कैसे निकालनी है, आप मेरी बात समझ रहे ना। तो हम बेसिक ट्रेनिंग कराते हैं, एडवांस ट्रेनिंग कराते हैं, ये सभी पुलिस वाले को कराते हैं, सभी स्टेट यूटी से कराते हैं, ताकि वहाँ की जो पुलिस है वो मजबूत हो कि अगर एक मोबाइल पकड़ में आ गया उसमें से दुनिया भर का डाटा आप निकाल सकते हो। इसके अलावा मान लो मैं एक केस के लिए मैं मणिपुर का पुलिस हूँ, दिल्ली आने में मेरा खर्चा लग जाएगा, तो हमने अगला क्या कहानी किया कि अगर मणिपुर पुलिस मुझे कोई रिक्वेस्ट करती है कि सर मुझे मोबाइल फोरेंसिक करना है, तो हम दिल्ली में बैठे बैठे क्लाउड के माध्यम से उसको मणिपुर में ही उसकी मोबाइल फोरेंसिक कर देते हैं। तो उसको स्लॉट हम प्रोवाइड कराते हैं कि दो, मान लो अगर मेरा फोन है मैं आपको OTP बता दूंगा तो आप सारा मेरा मोबाइल फोन देखना शुरू कर दोगे ना। एनी डेस्क बच्चे तो जानते होंगे कि कंप्यूटर मेरा है, बच्चा कहीं और से चला रहा है, तो जस्ट लाइक एनी डेस्क हम दिल्ली में बैठे बैठे उसकी मोबाइल फोरेंसिक मणिपुर में ही करा देंगे। इस प्रकार से तकरीबन अभी तक हमने 9000 पुलिस वाले को हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराया, 9000। तो आप पैसा बच गया और टाइम भी बच गया, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में आपको मोबाइल ऑन ही नहीं करना आएगा तो आप फोरेंसिक कैसे कर लोगे। इसीलिए हमने बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग अपने पैसे से गृह मंत्रालय उसको लाना ले जाना खाना पीना सब कुछ करवा के हम लोग सारी की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये तो आपको जो मैंने बोला ये हमारी 7 वर्टिकल है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सभी बच्चों से गुजारिश है कि एक हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई पैसा नहीं लगना,
जिसको बोलते हैं साइबर दोस्त। क्या है वो? साइबर दोस्त। मैं मैम को या आपको जो भी बोलेंगे मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, उसको जैसे आप स्कैन करोगे ना, आपको डे टू डे साइबर से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी से रिलेटेड सब कुछ आप बस खाली स्कैन कर लेंगे सारी, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे आप न्यूज़पेपर को मोबाइल से पढ़ लेते हो तो न्यूज़पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़े ना, ऐसा कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपको सारा का सारा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद मैं अमित गिरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्निकल पार्ट को एड्रेस करें। ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री साहब का ये आह्वान है कि हमारे जो भी युवा हैं उनके ही हवाले बतन को लाना है, आप समझ रहे हो ना। इसीलिए अभी जयपुर में जो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सभी 36 स्टेट यूटी के डीजीपी आईजीपी ने भाग लिया था, उसमें प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया था कि जिस प्रकार से आप एनसीसी को इन्वॉल्व कर रहे हो उसी प्रकार से आप एनएसएस को इन्वॉल्व करें। उसी का एक कदम है कि हम आपके पास में आए हैं और आपसे ये बातें कर रहे हैं, और आपकी सेक्रेटरी मैम को भी हमने रिक्वेस्ट करा है कि ऑफिशियली, और हम अलग अलग राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कॉलेज अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर किस प्रकार के प्रचार प्रसार किस प्रकार से, अगर कोई भी बच्चा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को ओपन करेंगे ना उसमें एक कॉन्सेप्ट देखोगे साइबर वॉलंटियर। साइबर वॉलंटियर